चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, राजेश मसाले। सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाएं किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। रविवार को प्रदीप कुमार दास ने जमुआ थाना के थानेदार पद पर अपना योगदान दिया। निवर्तमान थाना प्रभारी संतोष कुमार से उन्होंने पदभार लिया। 1994 बैच के प्रदीप कुमार दास जमुआ थाने के नए थानेदार बनाए गए हैं। जमुआ में पद स्थापित संतोष कुमार का तबादला बिरनी थाना प्रभारी के रूप में हुआ है। नव पद स्थापित थाना प्रभारी ने सोमवार को प्रेस से मुखातिब होकर कहा कि आम जनता की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। थाना क्षेत्र की जनता को कोई भी परेशानी होती है तो वो सीधे थाने में संपर्क कर सकती हैं। क्षेत्रवासी पुलिस प्रशासन का साथ नहीं, पुलिस हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि अपराध पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी से सहयोग करने की अपील की। मौके पर एसआई सुमंत प्रसाद, मनीष कुमार गुप्ता, मनीता कुमारी, नरेश यादव, अशोक कुमार आदि मौजूद थे। प्रखंड के युवा समाज सेवी अबुजर नौमानी ने अभिनंदन किया। कल मैं गांडे थाना प्रभारी से जमुआ थाना प्रभारी के पद पर योगदान दिया हूँ। सबसे पहले जमुआ थाना क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों एवं बुद्धिजीवियों को आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। दुर्गा पूजा कैसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ ये मेरी सहयोग, यहाँ की जनता के सहयोग, पूजा समिति के सहयोग से शांति ढंग से निर्वहन किया जाएगा। क्षेत्र में अपराध विधि व्यवस्था का संधारण किया जाएगा और सामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी एवं जनता का सहयोग हमें मिलता रहे। पुलिस प्रशासन जनता के सहयोग के लिए 24 घंटा तत्पर है। कोई भी समस्या हो, छोटी हो बड़ी हो, तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस हर संभव उसको मदद के लिए तत्पर रहेगी। धन्यवाद।